में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी। सबसे प्यार से चलना सीखो जी। जहाँ पर बिछे ओम शांति, ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 11/11/10 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाप के द्वारा कह रहे हैं, मीठे बच्चे ऊंचते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो, यही है रूहानी फांसी। सुना सभी ने, हम सभी को बाबा फांसी पे चढ़ना सिखा रहे हैं। तो फांसी पे चढ़ने का मतलब क्या हुआ, जब किसी को फांसी लगाई जाती है तो उसके मुख पर कपड़ा आ जाता है, फिर रस्सी खींच ली जाती है तो उसका मुंह क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है, वो लटक जाता है। तो मीठे मीठे बाबा भी कहते हैं, बाबा की याद में जब बैठते हो तो कैसे बैठो, बुद्धि एकदम तुम्हारी कहाँ चली जाए, मीठे मीठे बाबा के पास और अपने मीठे घर के अंदर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये है रूहानी फांसी, बुद्धि अपने घर में क्या हो, जैसे वो लटक जाते हैं तो हमारी बुद्धि भी कैसे हो, लटक जाए, कहाँ लटक जाए, अपने घर में। तो बाबा कहते हैं बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। अच्छा, आज का प्रश्न है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती उनकी निशानी क्या होगी। देखो अभी अपने को चेक करने का समय आ गया, हम स्वयं को भी साथ में चेक करते जाएं, मुरली भी सुनते जाएं, चेकिंग भी करें और चेकिंग के साथ चेंज करने के लिए बाबा जो मीठे मीठे महावाक्य बताते हैं वो भी हम धारण करते हुए अपना परिवर्तन करते जाएं। तो उत्तर है, वह छोटी छोटी बातों में रंज नाराज नहीं होते, उनकी निशानी क्या, वो रंज में नहीं आते। दूसरा, जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतना उसे क्या होगा, खुशी भी रहेगी। बुद्धि में अगर ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, माना उतरती कला में जाना ही है, इसमें नुकसान होना ही है, तो फिर कभी रंज नहीं होगा, सदा खुशी रहेगी। आज के लिए धारणा का सार बताया है, नंबर एक, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकारी नहीं है। समझ में तो आता ही है कि ये बातें काम की है या नहीं है, तो बाबा कहते हैं न सुनो और ना किसी को सुनाओ। नंबर दो, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। अभी हम पढ़ रहे हैं तो एक बाबा की याद में रहें, कहां भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए, निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं तो इसे नशे में रहना है। आज का वरदान है, मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव।
अब बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए और किसी में बुद्धि न जाए तो मोह कैसे हो सकता। बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बाबा कहते हैं बंधन भी नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है और कुछ हमने जोड़ा भी है। इसलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त होकर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो, फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करें, बंधन है कटता नहीं। नहीं, मन मना भव की स्मृति से कट जाएंगे। और आज का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग और उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। तो आप सभी उमंग उत्साह में है ना, तो उमंग उत्साह हमारा सांस है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। जहाँ जहाँ पर बिछे हो कांटे कलियाँ वहाँ बिछा दो, कांटों को भी कली बना दो, रोतों को हंसा दो। हो जहाँ जहाँ पर बिछे हो कांटे कलियाँ वहाँ बिछा दो, कांटों को भी कली बना दो, रोतों को हंसा दो। गम का प्याला पी कर हो, गम का प्याला पी कर प्यास बुझाना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी।